रेवाड़ी नगर परिषद की धींगा मस्ती कहें या फिर बेलगाम अफसरशाही, शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता के द्वारा एक व्यापारी और भाजपा नेता के साथ अभद्रता की गई। इससे मजबूर होकर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और शहर के ऐतिहासिक मोती चौक पर व्यापारी धरने पर बैठ गए और अभद्रता करने वाले अधिकारी के द्वारा माफी मांगने की जिद पर अड़ गए। बाजार बंद की सूचना मिलते ही भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली व्यापारियों के बीच पहुंची और घटना की जानकारी लेकर व्यापारियों को आश्वासन देते हुए बाजार खोलने का अनुरोध किया, लेकिन व्यापारी एक ही बात पर अड़े रहे कि जब तक बदतमीजी करने वाला कनिष्ठ अभियंता व्यापारियों के बीच आकर माफी नहीं मांग लेता तब तक बाजार नहीं खुलेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरा बाजार बंद किया जाएगा। व्यापारियों का बढ़ता गुस्सा देख व्यापारियों की बात सुनकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन पूनम यादव से फोन पर बातचीत की और उसके बाद ही अभद्र व्यवहार करने वाला अधिकारी माफी मांगने नहीं पहुंचा, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली और नगर परिषद चेयरपर्सन के साथ अतिक्रमण टीम की इंचार्ज के द्वारा व्यापारियों को दोबारा ऐसा ना होने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद बाजार खुला गया। बार बार बात कर रहे हैं, बैठ के भी डिसाइड करेंगे कि कहां देखिए नगर परिषद की कार्यवाही का किसी भी तरह से वैसे विरोध नहीं है। अगर आप व्यापारी गलत करता है, जैसा भी आप पूछ रहे थे कि सड़क इतनी चौड़ी है, दुकानदार उसके आगे फड़ लगवाते हैं, मैं भी कहता हूं हमारे जैसे प्रधान जी ने कहा उसी तरीके से मैं भी कह रहा हूं कि गलत है। गलत को ठीक कौन करेगा? नगर परिषद। लेकिन नगर परिषद आकर यहां पर गलत तरीके से चालान काटना शुरू कर दे, जो एक लिमिट बनाई हुई है उस लिमिट के अंदर रखे हुए सामान की भी अगर वो इस तरीके से आके यहाँ पर चालान करने लग जाए, पूछने पर बदतमीजी करे और धमकी देकर जाए कि मैं तो सबके काटूंगा, पूछने पर अपना नाम नहीं बताना, अपना पद नहीं बताना, ये कहाँ की गरिमा है? क्या अभी तक किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से बात हुई है? देखिए अभी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा बहन वंदना पोपली जी आई थी, वो अपनी तरफ से आश्वासन देकर गई है कि मेरी उनकी मतलब उनकी जो है हमारी जो चेयरपर्सन है नगर परिषद की पूनम यादव जी, उनसे बात हुई है और वो उन दोनों कर्मचारियों को यहाँ पर भेजेंगी और वो यहाँ पर आके सार्वजनिक रूप से अपने किए हुए कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद ये बाजार खुलेगा। उस समय सीमा भी तय की गई है यहाँ आने के लिए? उन्होंने ये बताया कि उनकी मीटिंग चल रही है और एडीसी ऑफिस के अंदर डीएमसी वगैरह के साथ मीटिंग चल रही है, तो जैसे ही वो मीटिंग खत्म होगी वो तुरंत यहाँ पर आएंगे। आपका दशा प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा प्रधान जी, क्या कहेंगे ये जो आज बाजार बंद है? बाजार बंद भैया मजबूरी में है, हमारा प्रशासन से सेटलमेंट हुआ था, उसमें विधायक जी महोदय भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उनसे बात हुई थी जो पीली पट्टी है उसके अंदर अंदर सामान रखो, वन अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा और चलान कटेगा। हमने सबने एग्री कर दिया, हम खुद चाहते हैं कि अतिक्रमण नहीं हो बाजार के अंदर, लेकिन कल क्या हुआ कि उन्होंने जो एक दो दुकानदारों का बाहर था उनका चलान काटा सामान का, तो हमने कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है गलती है भैया। कल हमारे अमित भाई जी हैं, इनका सामान भी अंदर था, अपने पीली पट्टी के अंदर था, उसके बावजूद उन्होंने चालान काट दिया, वो कहने के बाद अपर दिल दबक उतर आए। नगर परिषद की कार्रवाई